हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। दूरदर्शी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है परावर्ती दूरदर्शी, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी। तो आज के इस वीडियो में हम पहला जानेंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी किसे कहते हैं, या इसे ही खगोलीय दूरदर्शी के भी नाम से जाना जाता है, या इसे ही आकाशीय दूरदर्शी के भी नाम से जाना जाता है। तो पूरा हम डीप में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दूरदर्शी किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो दूरदर्शी का सिंपल सा परिभाषा यही होता है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तु को आसानी से देखा जाता है, उस यंत्र को ही हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे कि चांद है, तो चांद को देखना है हमें तो दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे। तारों को देखना है, दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं बहुत अधिक दूर पहाड़ है, उसको देखना है तो दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं आप गए आगरा और ताजमहल बहुत दूर है, ठीक है, आप बहुत दूर बिल्डिंग पे हैं, तो आप बहुत दूर ताजमहल है फिर भी आप देख सकते हैं दूरदर्शी की सहायता से। तो इस प्रकार बड़े बड़े पहाड़ों को जो बहुत दूर है उनको आप दूरदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे यंत्र को ही हम दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखा है, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तु को देखा जाता है, दूरदर्शी कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके प्रकार पे। तो आपको याद रखना है कि दूरदर्शी के दो प्रकार होते हैं, दूरदर्शी के प्रकार। तो दूरदर्शी के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है परावर्ती मतलब अपवर्ती दूरदर्शी, पहला है अपवर्ती दूरदर्शी, और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि अपवर्ती दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम सबसे पहले अपवर्ती दूरदर्शी, या इसे ही अपवर्ती दूरदर्शी को हम किस किस नामों से जानते हैं याद रखेंगे आप। सबसे पहले हम जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी के नाम से, खगोलीय दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को आकाशीय दूरदर्शी के भी नाम से भी जाना जाता है, आकाशीय दूरदर्शी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हम इसको तीन नामों से जानते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, दूसरा होता है खगोलीय दूरदर्शी, और तीसरा होता है आकाशीय दूरदर्शी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। आते हैं यदि हम कहें कि खगोलीय दूरदर्शी हम इसे किसे कहते हैं, तो सिंपल सा इसका भी परिभाषा हम वही कहेंगे जो दूरदर्शी का हमने परिभाषा किया है। हम वही कहेंगे कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से अत्यंत दूर पर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, उसे हम अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं, या खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यही आप परिभाषा लिख सकते हैं ना, यही आप लिख देंगे, केवल प्रकाशिक यंत्र के जगह पर आप दूरदर्शी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कहेंगे ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तु को देखा जाता है, उसे हम अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। क्यों हम प्रकाशिक यंत्र नहीं कह रहे हैं, प्रकाशिक यंत्र भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जो अपवर्ती दूरदर्शी है ना, इसी का तो ये प्रकार है ना, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। फिर भी मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे कि सर आपने लिखा नहीं, ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करने लगते हैं, सर आपने परिभाषा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। थोड़ा सा सुनकर भी तो लिख सकते हैं ना, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप लिखेंगे ऐसा दूरदर्शी जिसकी
सहायता से बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है। अपवर्ती दूरदर्शी कहलाता है या खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा लिख दिया, आशा करते हैं आप समझ के होंगे। ठीक है, कि बहुत दूर स्थित वस्तुओं को हम आसानी से देखते हैं उसे अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अब आता है इसका रेखा चित्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं लिख दे रहा हूं रेखा चित्र। ठीक है, तो रेखा चित्र कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो सिंपल से ये है ना कि इसमें एक और आता है कि प्रतिबिंब का बनना या सिद्धांत, तो उसको केवल रेखा चित्र आप समझ जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि देखिए खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब में बनना। ठीक है, मैं लिख भी दूँ, चलिए एक और हेडिंग इसमें हम डाल देते हैं, प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब इसमें कैसे बनता है, तो याद रखेंगे इसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब, ठीक है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और याद रखेंगे एक और बात कि प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा बनता है और आभासीय बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप डिटेल में चाहें तो लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, आते हैं अब तीसरा, ये तो दूसरा हमने जान लिया, ये तो था दूसरा, अब इसी में तीसरा फिर से आपको हेडिंग डालना है, अब लिखना है रेखा चित्र। अब इसका रेखा चित्र कैसा होता है ये भी आपको बताना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसी तरीके से आपको हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना होगा तब आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समझिएगा, अब अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी का फिगर कैसे होता है तो उसको हम समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा आसान से आराम से थोड़ा सा समझेंगे, नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। देखिए इसको मैं बना दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि छोटा पड़ जाएगा क्या। ठीक है जी, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं इसमें फिगर बन जाता है कि नहीं, फिगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझेंगे, ये एक हमने देखिए इसमें क्या होता है, जो खगोलीय दूरदर्शी होता है ना इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक लेंस होता है जो बड़ा होता है जो आगे की ओर होता है, एक लेंस जो होता है वो छोटा होता है जो पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो इसे वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जो आगे होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अभिदृश्यक लेंस को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, सबसे पहले यहाँ से अनंत से देखिए, मान लेते हैं कि ये अगर मान लेते हैं ये लेंस है और बहुत अधिक दूर वस्तु है, बहुत अधिक दूर पर वस्तु है, तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें हम ऐसा मान लेते हैं कि अनंत पर है। ठीक है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है ना, तो उसी प्रकार यहाँ से जो प्रकाश किरणें उस वस्तु से आएंगी वो एक दूसरे के समांतर आएंगी। तो पहली ये प्रकाश किरणें आती हैं, समांतर आती हैं और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाती हैं। ये रूल होता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जो भी प्रकाश किरणें जाएंगी वो सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, और इसी के समांतर एक और प्रकाश किरणें आता है और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है, ये इस तरीके से काट देता है, मतलब यहाँ पर काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब काटता है, अब देखिए इस बिंदु पर जब ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, इसी को हम खींच देते हैं तो ये प्रतिबिंब बनता है ए और बी, ए बी यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अब जब ए बी प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर हम एक लेंस फिर से लेंगे, ये हम एक लेंस लेते हैं,
याद रखेंगे इस लेंस ये बड़ा होगा, ये वाला लेंस छोटा होगा, तो ये हमने एक और लेंस ले लिया। इस वाले को नेत्रिका लेंस कहते हैं, इस वाले को नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो अब देखिए यहां से भी प्रकाश किरणें, अब देखिए ये प्रतिबिंब है, बट इसके लिए, इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। तो फिर से यहां से एक प्रकाश किरण निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार निकल जाती है। ठीक है, सॉरी, अपवर्तन के पश्चात निकल जाती है इस प्रकार। द्वितीय प्रकाश किरणें इसके जो क्या है, जो प्रकाशी केंद्र है इससे होकर जाती है, इस प्रकार प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है, ये भी सीधे निकल जाती हैं। अगर आप ध्यानों के देखें तो एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, एक इधर। अब ये दोनों अनंत पे तो कहीं नहीं मिलेंगे, दोनों फैलते हुए जा रही हैं, तो इन दोनों किरणों को हम पीछे लाते हैं। तो जब हम पीछे लाते हैं ना, तो इन दोनों किरणों को हम जैसे ही जस्ट पीछे लाते हैं, तो ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं। तो इस बिंदु से फिर से हम एक रेखा इस तरीके से खींच लेते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब का ही ये प्रतिबिंब बनता है, ए डैश और बी डैश। ठीक है, और ए डैश बी डैश बनता है, और यहीं पे जो क्या है, यहाँ पर ही हमारा क्या होता है, ये जो यहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो यहीं पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा नेत्र होता है जो इसको देखता है। ये प्रतिबिंब यहाँ पे तो बन रही है, परंतु वास्तव में हमारा जो क्या है, इधर वास्तव में तो इधर है ना, तो यहाँ पे हमारा नेत्र होता है जिससे हमें दिखाई देता है जो अनंत पर वस्तु है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ गया कि दो लेंस है, एक है, अब थोड़ा सा समझ जाइए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको फिगर समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आराम से संतुष्टि से आपको बता रहा हूँ एक एक छोटी छोटी बात, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए आपको समझने का, ज़रूर आपको समझ में आएगा। अब बहुत ही हार्ड ही है, मैंने पहले कहा है फिगर बहुत ही हार्ड है, थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि इसके बाद डेरिवेशन हमको करना है, छोटा सा एक गणना है, उसमें एक फॉर्मूला हमें मिलेगा, उसको बिल्कुल लिखना होगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर चाहिए तो थोड़ा तो मेहनत करना होगा। ठीक है, तो देखिए दो लेंस होता है, एक हमने बताया अभिदृश्यक लेंस, एक होता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस हमारे नेत्रों के पास होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, हमने दूरदर्शी को लिया, तो दूरदर्शी को लिया इस प्रकार हमने लिया, तो हमारे आँख के सामने जो एक लेंस होगा, एक जो फ्रंट पे लेंस होगा, ठीक है, एक यहाँ पे लेंस होगा और एक इधर लेंस होगा, तो ये वाला जो लेंस है उसे नेत्रिका लेंस कहेंगे, और जो आगे होगा उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहेंगे। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक प्रकाशी केंद्र से होकर सीधे चली जाती हैं, दूसरा आती हैं, ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सॉरी ए बी बनता है। अब इस नेत्र के लिए तो ये वस्तु का कार्य करेगा, तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे, एक प्रकाशी केंद्र से होकर सीधे निकल जाती हैं, इन दोनों किरणों को पीछे लाते हैं, यहाँ पर मिलती हैं, ये ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा और एक बात ध्यान देना है, ठीक है, यही आपको समझना है। देखिए ये जो प्रतिबिंब बनाना है ये फोकस पे बनता है, इस लेंस द्वारा, मतलब जो अभिदृश्यक लेंस है इसके द्वारा ये फोकस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से लेकर, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो एफ ओ हो जाएगा, मतलब इसकी फोकस दूरी के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है, तो एफ ओ हमने लिख दिया है। अब देखिए इस लेंस के लिए ये जो है, इस लेंस के लिए ये वस्तु क्या है, वस्तु है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यू और ई हम लिख देंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है, तो इसके लिए हमने एफ ओ लिख दिया, और इसके नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वस्तु को यू से दर्शाते हैं, और ई लिख दिया है कि नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एक और बात आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके सामने जस्ट यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये भी अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर, अब ध्यान से समझेंगे, इस वाले को देखेंगे, ए बी जो वस्तु है इसके ए बी और ई है, यहाँ पर भी एक क्या बनेगा, एक कोण बनेगा जिसे हम बीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इतना ही बात आपको केवल समझना था, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये अल्फा है तो इसके सामने वाला कोण भी अल्फा हो जाएगा, और ये क्या है, वस्तु द्वारा बना कोण है, वस्तु द्वारा बना कोण दर्शन कोण कहलाता है, तो उसे हमने अल्फा से प्रदर्शित कर लिया,
ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन को बीटा से हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब आते हैं हम इसकी गणना पर। ठीक है, तो मैं यहीं पे गणना कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें अंत में आपको एक और हेडिंग लिखना होता है, जो है कि आवर्धन क्षमता की गणना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आवर्धन क्षमता की गणना। ठीक है जी, तो देखिए आवर्धन क्षमता की गणना का फॉर्मूला होता है, आवर्धन क्षमता इक्वल टू होता है एम इक्वल टू बीटा बाई न बीटा बाई अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। हम जानते हैं जब कोण बहुत ही छोटे होते हैं तो वहाँ पे हम टेन बीटा बाई टेन अल्फा ले लेते हैं, तो टेन बीटा बाई टेन अल्फा हमने ले लिया। जब कोण छोटे होते हैं तो आप बीटा की जगह पर टेन बीटा बाई टेन अल्फा ले सकते हैं। ये हमने सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ाया था, उसमें भी हमने आपको बता दिया है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऊपर आता है टेन बीटा, तो देखिए यहाँ पर बीटा है, तो बीटा मतलब क्या, हम इस कोण को ले रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे, इस वाले हम कोण को ले रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी ई, ए बी ई दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बी क्या है, एक कोण है। तो इसके लिए हम टेन बीटा, और टेन बी टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या है, ए बी ये लंब है, आधार क्या है, ई ए आधार है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि एम इजकल टू टेन बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है, ए बी है, तो हमने ए अब बी लिख दिया, अब बटे आधार क्या है, ई ए है, तो हमने ई ए लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये मेन बाटा है, यहाँ पे हम एम लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेन बाटा हो गया, तो टेन बीटा बराबर हमने ए बी बटे ई ए हमने लिख दिया है। अब टेन अल्फा की बात आता है, तो यहाँ पे देखेंगे ये अल्फा है ना, तो अल्फा में अब हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ ये त्रिभुज को हम देख रहे हैं, हम कह सकते हैं ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज को देख रहे हैं, तो इसमें भी यही तो कोण आ रहा है ना, ए ओ बी में ये अल्फा कोण आ रहा है, तो अल्फा बराबर हम जानते हैं टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, यही तो होगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, तो लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी हमने लिख दिया है, ए अब बी हमने लिख दिया, फिर से आधार क्या है, ए मतलब ओ ए है, तो ओ ए हमने आधार लिख दिया। ठीक है, अब आपका सॉल्व हो ही गया है, थोड़ा सा आप समझिएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, इतना तो बेसिक है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ से m का जो मान निकलेगा, m इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो ओ ए बटे ई ए हो जाएगा। ठीक है, अब ओ ए का मान कितना है, ओ से लेके ए इसकी बीच की दूरी क्या है, एफ ओ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m इक्वल टू एफ ओ, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद नीचे ई ए है, तो E से A के बीच की दूरी क्या है, U है, यू ई है, तो यू ई हमने लिख दिया। यही है आपका फॉर्मूला, तो इसको आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद रखना है। M इक्वल टू क्या होता है, F बाई यू होता है, F क्या है, फोकस दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी। तो आपको यही बात लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए यही हमें बताना था, सबसे पहली बात यह है, यदि आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आपसे मैं बता दूं कि क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं, तो उसका देख रहे हैं ना, ये सीरीज चलाया जा रहा है केवल वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। यदि आप भी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो चैप्टर वाइज केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे आपको सभी आपको मिल जाएंगे वीडियो, तो वहां से अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो।
अदरवाइज सोच रहे होंगे कि हिंदी अंग्रेजी इस सभी की तैयारी, तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पे, वहाँ पे जाएंगे तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी का भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, अदरवाइज चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार केवल रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।